प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राजकोट में नवनिर्मित हीरासर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दो दिवसीय दौरे के पहले दिन 27 जुलाई को ही हीरासर एयरपोर्ट की सौगात गुजरात की जनता को देंगे। सौराष्ट्र के राजकोट में बना हीरासर एयरपोर्ट कई आधुनिक खूबियों से लैस है। ये राज्य का सबसे बड़ा रनवे वाला एयरपोर्ट है, जहां से भविष्य में बड़े विमान भी आवाजाही कर सकेंगे। गुजरात के प्रथम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हीरासर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के उद्घाटन की तमाम तैयारियों को राजकोट में पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2017 को चोटीला के पास हीरासर गाँव में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। अक्टूबर 2017 में भूमि पूजन के करीब 1.5 साल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ था। ऐसे में देखा जाए तो 5 साल में हीरासर एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हुआ है। इस एयरपोर्ट के खुलने से सौराष्ट्र और गुजरात के आर्थिक विकास को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है। राजकोट अपने बड़े उद्योग के साथ साथ मध्यम और छोटे उद्योग के कारण भी गुजरात और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गतिशक्ति परियोजना के तहत बनाया गया है। राजकोट से करीब 30 किलोमीटर दूर NH-27 के निकट हीरासर गांव के पास 1405 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट परिसर 1025.50 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें 1500 एकड़ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इस एयरपोर्ट का रन में 3040 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, जिस पर एक साथ 14 विमान पार्क हो सकेंगे। 50,800 वर्ग मीटर में एप्रोन बेस बनाया गया है। 23,000 वर्ग मीटर में पैसेंजर टर्मिनल बनाया गया है। ये टर्मिनल पीक आवर्स में प्रति घंटे 1280 यात्रियों को संभाल सकता है। इस नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर सी टाइप के प्लेन भी ऑपरेट होंगे और भविष्य में ई टाइप के प्लेन के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके चलते राजकोट समेत सौराष्ट्र के लोगों को एयरबस A380, बोइंग 747, बोइंग 777 जैसे विशाल विमानों की सुविधा मिलने लगेगी। एयरपोर्ट पर सोलर पावर सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस एयरपोर्ट पर एक समानांतर हाफ टैक्सी वे है और रैपिड एग्जिट टैक्सी ट्रैक, इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो और MRO हैंगर्स की सुविधा भी है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन टैग भी दिया गया है। ये टैग विमानों के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। ये एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें 4 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, 3 कन्वेयर बेल्ट तथा 8 चेक इन काउंटर्स शामिल हैं। भविष्य में अन्य 12 चेक इन काउंटर्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ अत्याधुनिक फायर फाइटिंग तथा फायर अलार्म सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग तथा फायर स्टेशन के अतिरिक्त 524 एकड़ में फैली सिटी साइड एरिया में लैंडस्केपिंग, कार, टैक्सी, बस पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एयरपोर्ट की गैलरी गुजरात की समृद्ध विरासत तथा परंपराओं की झलक दर्शाती है। ये गैलरी रणजीत विलास पैलेस, दांडिया तथा राज्य के लोक नृत्यों की कला से सुशोभित है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।